हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली एक्सरसाइज 6.1 के बारे में, जो कि क्लास 7th की एनसीईआरटी का सोल्यूशन होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली ट्राइंगल और इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले आपको ट्राइंगल के बारे में समझना होगा, उसके बाद ही आप इसकी प्रॉपर्टी के बारे में समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले ट्राइंगल होता क्या है। ट्राइंगल वो होता है जहाँ पे तीन साइडें होती हैं, वहां पे ट्राइंगल होता है। देखिए, जहां पे वन साइडें होती हैं उसको आप बोलते हो कि लाइन है। जब दो साइडें होती हैं तो आप बोलते हो कि एंगल हो रहा है सर यहाँ पे। जब तीन साइडें होती हैं तो आप क्या बोलते हो, सर ट्राइंगल हो रहा है। बस अब इसी के बारे में हमें समझना है कि ट्राइंगल क्या होता है। जिसमें तीन साइडें होती हैं वो ट्राइंगल होता है। जब तीन साइडें होंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तीन एंगल भी होंगे। यानी कि हम ट्राइंगल को साइड के बेसिस पे अलग और एंगल के बेसिस पे अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो साइड के बेसिस पे वो कौन से ट्राइंगल होते हैं सबसे पहले उन्हें समझेंगे, उसके बाद एंगल के बेसिस पे कौन से हमारे ट्राइंगल होते हैं फिर उन्हें समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि साइड के बेसिस पे हमारे ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं। तो जो साइड के बेसिस पे हमारे ट्राइंगल होने वाले हैं वो होने वाले हैं सबसे फर्स्ट, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में जानेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसके अंदर तीनों साइडें इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, वो हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाते हैं। सेकेंड थिंग, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनमें दो साइडें बराबर होती हैं, वो हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाते हैं। और स्केलेन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती है, वो हमारे स्केलेन ट्राइंगल कहलाते हैं। ये तो हमने साइड के बेसिस पे पढ़ा, क्योंकि हमें पता है कि तीन साइडें होती हैं वहाँ पे ट्राइंगल होता है। जब तीन साइडें होंगी तो तीन एंगल भी होगा। तो अब एंगल के बेसिस पे हम समझेंगे कि ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं। एंगल के बेसिस पे जो बेसिकली जो ट्राइंगल होते हैं, बेसिक जो ट्राइंगल होते हैं हमारे, वो सबसे फर्स्ट होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और एक्यूट एंगल वो होता है जहाँ पे एंगल 90 से कम होते हैं, 90 से छोटे होते हैं, वो हमारे होते हैं एक्यूट ट्राइंगल। और जहाँ पे 90 डिग्री के बराबर होगा उनका एक एंगल, वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। जब कोई भी एक एंगल किसी ट्राइंगल का 90 से बड़ा होगा तो वो हम बोलेंगे कि ऑब्स्टूस ट्राइंगल का एग्जाम्पल है। अब हमने समझ लिया कि ट्राइंगल होता क्या है और कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। तो अब हम जानेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं ट्राइंगल की। देखिए, यहाँ पे कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल के बारे में। क्या है कि जो ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल होते हैं, एक ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं आपको पता है, और तीन साइडें भी होती हैं। तो जो तीन एंगल होते हैं ट्राइंगल की, ये एंगल हमारा ए, ये एंगल ए, ये एंगल हमारा बी और ये एंगल हमारा सी। जो ट्राइंगल के एंगल होते हैं, एंगल ए बी सी, जो उसके इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, उनका जो सम होता है हमेशा 180 होता है। यानी कि एक ट्राइंगल का जो एंगल जो सम होता है, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल में होता है। ये इसकी एक प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टी को आपको समझना होगा। सेकेंड थिंग जो हम समझते हैं कि जो दो इंटीरियर एंगल एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है एक ट्राइंगल के अंदर, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो फर्स्ट एंड सेकेंड ये हमारे इंटीरियर एंगल हैं एक ट्राइंगल के, जो कि एंगल सी, एंगल थर्ड जो हमारा है वो एक एक्सटीरियर एंगल है। जो एंगल थर्ड है वो किसके बराबर होगा, एंगल फर्स्ट और सेकेंड के सम के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू किसके होगा, एंगल थर्ड के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक चीज आप समझिए ध्यान से कि हमने दो प्रॉपर्टीज बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में हमने समझा कि जो ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, और दो इंटीरियर एंगल एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होते हैं। दो इंटीरियर एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा एक ट्राइंगल के अंदर, जो कि हम इस वाली प्रॉपर्टीज के थ्रू समझ पा रहे हैं। अब हम समझते हैं कुछ और चीजों के बारे में ट्राइंगल के अंदर, जिसमें आपको समझना होगा कि एल्टीट्यूड क्या होते हैं। देखिए, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी तरीके से करते हो। देखिए, एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड वो होता है एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है बिल्कुल सीधी लाइन, और एल्टीट्यूड इज अ परपेंडिकुलर लाइन बिटवीन किसके बीच में, वर्टेक्स और अपोजिट साइड के बीच में। तो ये देखिए, ये हमारा वर्टेक्स हो गया और ये इसकी अपोजिट साइड हो गई, इनके बीच में जो लाइन ड्रॉ करी जा रही है ये हमारा एल्टीट्यूड है। अब आपको समझना होगा मीडियन के बारे में। मीडियन वो होता है जो, मीडियन इज अ लाइन बिटवीन अ वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड।
अब अपोजिट साइड के बिल्कुल जो मिड में होता है, अगर मिड में होगा तो जाहिर सी बात है कि ये साइड और ये साइड दोनों बराबर होंगी, ये साइड और ये साइड दोनों साइड बराबर होंगी, और यहाँ से वर्टेक्स के बिल्कुल बीच में होगा, वर्टेक्स से लाइन जो बिल्कुल ड्रॉ होगी, मीडियन इज अ लाइन बिटवीन वर्टेक्स, मीडियन एक लाइन होती है जो वर्टेक्स और जो हमारा अपोजिट साइड होती है उसके मिड पॉइंट के बीच में जो ड्रॉ करी जाती है वो हमारा मीडियन होता है। और एक और चीज आपको ध्यान रखना होगा कि जहां पे तीन मीडियन आते हैं, जहां पे तीन मीडियन ड्रॉ करे जाते हैं वहां पे हमारा सेंट्रोइड हो जाता है। अब समझते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ परपेंडिकुलर लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो क्या करती है, जो साइड होती है उसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि ये मिड पॉइंट होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम अ मिड पॉइंट ऑफ साइड, बिल्कुल जो मिड पॉइंट में होती है वो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि सेंट्रोइड क्या होता है। देखिए सेंट्रोइड के बारे में आप यहाँ पे समझ सकते हैं, मीडियन ऑफ ट्राइंगल के बेसिस में आप देखिए सेंट्रोइड है। यहाँ पे देखिए ये सेंट्रोइड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तीन मीडियन है, एक ये वाला है, एक ये है और एक ये है। और जो सेंट्रोइड होता है आप ये भी समझ लीजिए कि जो सेंट्रोइड होता है वो टू थर्ड होता है मीडियन के, टू थर्ड होगा मीडियन का, टू थर्ड होता है। और मीडियन के बारे में मैंने बता दिया, सेंट्रोइड के बारे में आपको बता दिया है मैंने। तो ये जो कंप्लीट प्रॉपर्टीज आपने समझ ली है ट्राइंगल के बारे में कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके अलावा आपने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में समझा है, और इसके अलावा ट्राइंगल के बारे में समझा है कि एक्चुअल में ट्राइंगल होता क्या है। अब हम आते हैं अपने बेसिक्स क्वेश्चंस के ऊपर कि हमारे चैप्टर के अंदर जो 6.1 है या 6.2 है उसको कैसे सॉल्व करेंगे इन प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या दिया गया है और कैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसे कैसे सॉल्व आउट कर पाएंगे हम। तो आप आते हैं अपने एक्सरसाइज के ऊपर। अगर बात की जाए 6.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक ये डायग्राम बना हुआ है, और इस डायग्राम के बेसिस पे कम्प्लीटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या QM बराबर है MR के। तो अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे एंगल PMD दिया हुआ है, यहाँ पे ये यहाँ पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो एंगल PMD कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री होगा। अब PM इसका एल्टीट्यूड भी है, और एल्टीट्यूड की डेफिनेशन मैंने पहले आपको बता दी है कि एल्टीट्यूड क्या होता है, इसलिए PM है क्या है, एल्टीट्यूड है। और हमें दिया हुआ है कि QD बराबर है DR के, QD बराबर होगा किसके, DR के। जब DR के बराबर होगा तो आपको पता है कि PD क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, इसलिए मीडियन होगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ट्राइंगल के बारे में कि मीडियन वो लाइन होती है जो वर्टेक्स और अपोजिट साइड के बिल्कुल मिड पॉइंट पे ड्रॉ की जाती है, वो हमारा मीडियन कहलाता है। और मीडियन का मतलब क्या हुआ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बराबर होंगी। तो यहाँ पे भी सेम वही चीजें हो रही हैं, इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि जो पीडी है वो मीडियन है, जब ये पीडी मीडियन है तो क्यूडी और डीआर भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये बराबर हैं तो क्यूएम और MR बराबर नहीं हो सकते, इसलिए बराबर नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि M इसका मिड पॉइंट नहीं है बल्कि PM इसका क्या है, एल्टीट्यूड है। तो हम कह सकते हैं कि नो, ये QM इज नॉट इक्वल टू MR, D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, D इसका मिड पॉइंट है इस वजह से। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर दिया जा रहा है कि हमें ड्रॉ करना है स्केच रफ डायग्राम ड्रॉ करना है, एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है जिसके अंदर ए बी सी के अंदर बी ई मीडियन हो। देखिए मीडियन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर मीडियन ये बी ई मीडियन है जो कि अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक ए ई और ई सी, तो ये मीडियन है। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि पी क्यू आर के अंदर पी क्यू एंड पी आर आर एल्टीट्यूड, पी क्यू और पी आर क्या है, एल्टीट्यूड होने चाहिए। तो एल्टीट्यूड में आपको पता है कि एल्टीट्यूड कब होगा, जब आर पी परपेंडिकुलर होगा क्यू पी के ऊपर। देखिए जब आर पी परपेंडिकुलर होगा बिल्कुल, तो यहाँ पे एल्टीट्यूड ये क्या कहलाएगा, ये आर पी इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो इसका आर पी होगा ये परपेंडिकुलर होगा क्यू पी के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि ये इसके एल्टीट्यूड होंगे, पी आर और पी आर भी एल्टीट्यूड होगा और पी क्यू भी एल्टीट्यूड होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी सेकेंड के थर्ड की।
जिसके अंदर एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है और वाई एल इज एन एल्टीट्यूड एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल के मतलब ट्राइंगल के एक्सटीरियर में, यानी एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर की तरफ हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ये वाई एल को हमने एक्सटीरियर ड्रॉ कर दिया है, आप इसका एक रफ डायग्राम हमने बना लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर दिया गया है वेरीफाई करना है कि वेरीफाई करना है हमें कि जो डायग्राम दिया हुआ है डायग्राम मीडियन एंड एल्टीट्यूड इज आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर उसके जो मीडियन है और एल्टीट्यूड कैन बी सेम, क्या सेम हो सकते हैं। देखिए जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है आपको बहुत पहले ही बता दिया मैंने स्टार्टिंग में ही कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं उनमें दो साइडें क्या होती हैं, सेम होती हैं। अच्छा जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ट्राइंगल और इनकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए आपको ट्राइंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए आइसोसेलेस के अंदर क्या होता है, दो साइडें सेम होती हैं, ये आपको पता है। अब ए बी सी के अंदर एक मीडियन ड्रॉ हो रहा है ए एल, एक मीडियन जैसे ही ड्रॉ हो रहा है ए एल, मीडियन लाइन ड्रॉ हो रही है, तो बी एल बराबर होगा किसके, एल सी के, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ए बी बराबर होगा किसके, ये देखिए यहाँ पे मीडियन जब ड्रॉ हो रहा है तो यहाँ पे ए बी बराबर भी है और ए सी भी बराबर है। ए बी सी के अंदर ए बी और ए सी भी बराबर है क्योंकि ये जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें दो साइडें बराबर हैं। अब ए एल इज ए मीडियन है तो इसका एल्टीट्यूड भी बराबर होगा, यानी कि जो ए एल इज ए मीडियन है एंड एल्टीट्यूड ऑफ गिवन ट्राइंगल, और इसका मीडियन भी है और एल्टीट्यूड भी है। जब ये चीज़ें हैं तो हम कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो जो बोला जा रहा था कि ये सेम हो सकते हैं, कि हम कह सकते हैं हाँ ये वेरीफाई कर रहा है इस चीज़ को। तो यही हमें वेरीफाई करना था क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर। उम्मीद है माय डियर फ्रेंड्स कि ये लेक्चर आप सभी लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आता है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख सकें और समझ सकें। अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।